हाँ जी बच्चों, डिसऑनर ऑफ बिल, डिसऑनर का मतलब होता है कि जो बिल बनाया गया था वो बिल हम कैंसिल कर रहे हैं। बिल यहाँ पर दो पार्टीज होती थी, एक होता था ड्रॉअर और दूसरी पार्टी होती थी ड्रॉई। ड्रॉअर ने पैसा लेना है ड्रॉई से, मतलब अगर हम कहें कि ड्रॉअर ए है तो ड्रॉई बी है, ए ने पैसा लेना है बी से, तो बच्चों एंट्री क्या होगी बताओ। हम बिल ड्रॉ करते थे, एंट्री करते थे, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू ड्रॉइंग। और ड्रॉइंग यहां पर क्या करता है बच्चों, बिल एक्सेप्ट करता है किसके अगेंस्ट, ड्रॉर के अगेंस्ट, तो एंट्री क्या बनती है, ड्रॉर डेबिटेड टू बिल्स पेबल। स्टेबल ठीक है, ये रहेगा। अब इसके बाद में चार ऑप्शन थे ड्रॉअर के पास कि वो बिल का क्या करता है, या तो अपने पास रखता है तो कैश मिल जाएगा, कैश टू बिल्स रिसीवेबल, बैंक से डिस्काउंट कराएगा तो उसके बैंक में पैसा आ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंटिंग चार्जेस डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, ये बिल किसी और को इंडोर्स करता है तो हमारी इंडोर्स की एंट्री हो जाएगी, इंडोर्स टू बिल्स रिसीवेबल, या वो कलेक्शन के लिए भेज सकता है। ठीक है, कोई भी कंडीशन रही हो, अगर ड्रॉइंग ने पेमेंट कर दी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ड्रॉइंग अपने बुक्स में क्या एंट्री करता था, बिल्स पेबल टू कैश। लेकिन अगर ड्यू डेट को ड्रॉई ने कहा कि आई एम नॉट एबल टू पे द मनी, मैं पेमेंट नहीं कर सकता बिल की, तो क्या वो फिर आपको जो बिल ड्रॉ किया था वो कैंसिल करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई बच्चों, डिसऑनर का मतलब है कि जो बिल बनाया था आपने वो आपको कैंसिल करना पड़ेगा। अब कैंसिल की एंट्री क्या होगी, ये सभी केसेस में अलग होगी। एंट्रीज फॉर डिसऑनर ऑफ बिल देखिए, सबसे पहले जब भी बिल डिसऑनर होगा तो ड्रॉअर क्या करेगा बच्चों, ये बिल बनाने की एंट्री थी तो क्या करेगा, डिसोनर होने पर वो ड्रॉई से पैसा वापस मांगेगा, तो क्या बने बन जाएगा, ड्रॉई हमारा वापस डेटर बन जाएगा, तो हम ड्रॉई को डेबिट कर देंगे, और जो बिल हमने बनाया था बिल्स रिसीवेबल को डेबिट किया था, ये बिल्स रिसीवेबल हमारा क्या होगा, खत्म हो जाएगा, बिल्स रिसीवेबल को हम क्रेडिट कर देंगे। बात समझ गए, कोई परेशानी किसी को। और साथ में जब आप बिल को कैंसिल कराते हैं तो नोटिंग चार्जेस पे करते हैं, और नोटिंग चार्जेस वही पे करता है जिसके पास बिल होता है। फर्स्ट केस क्या था हमारा, अगर ड्रॉअर ने ये बिल अपने पास रखा है तो नोटिंग चार्जेस फिर वही पे करता है जिसके पास बिल होता है। नोटिंग चार्जेस पे कौन करेगा यहाँ पर, ड्रॉअर पे करेगा टू कैश करके, और वो पैसा लेगा किससे, ये वापस किससे वापस लेगा, ड्रॉई से। मान लीजिए बिल तो आपने बनाया 5,000 का, ये समझ में आ गया, बिल ड्रॉ किया, अब बिल डिसऑनर होगा तो एंट्री क्या बनेगी, बिल 5,000 का डिसऑनर हुआ, 100 रुपीज पे किए ड्रॉ ने नोटिंग चार्जेस के, तो कितना पैसा वो ड्रॉई से मांगेगा, 5,000 तो भाई आप मेरे बिल का दो, और 100 रुपीज आपकी गलती की वजह से मैंने नोटिंग चार्जेस पे किए वो भी आप दो। तो पे कौन करता है नोटिंग चार्जेस, जिसके पास बिल होता है, लेकिन अल्टीमेट बर्डन इसका किसके ऊपर जाता है, ड्रॉई के ऊपर। बात क्लियर हो गई, क्यों, क्योंकि ड्रॉई की गलती की वजह से बिल कैंसिल हो रहा है, तो एंट्री हो जाएगी ड्रॉई अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल टू कैश। कोई डाउट इसके अंदर नहीं। इसी तरह से बच्चों ड्रॉई की बुक्स में क्या एंट्री करेंगे, हाँ सौम्या बोलिए। तो मुझे समझ नहीं आ रहा। ठीक है, ये बिल बनाने की एंट्री समझ में आ गई थी, बिल्स रिसीवेबल टू ड्रॉई, यस ये ठीक है। जब बिल डिसऑनर हो जाएगा मतलब बिल की पेमेंट नहीं हुई, तो उस केस में क्या होगा बच्चे, हम कहेंगे लाओ बाय ड्रॉई वापस पैसा लो। पहले तो हमने अपने डेटर को खत्म कर दिया था, क्रेडिट कर दिया था, अब हम उसको वापस क्रिएट कर रहे हैं, उससे वापस पैसा लेना है, तो ड्रॉई हमारे लिए क्या हो गया, डेबिट हो गया, क्योंकि पैसा लेना है उससे, डेटर बन गया। ये बात समझ गए कि हम ड्रॉई को डेबिट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अब हमने वापस यस उससे पैसा मांगना शुरू कर दिया। बिल बना था तो बिल डेबिट हुआ था, बिल खत्म हो गया तो बिल को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। इज दिस क्लियर, यस बिल बनने पर डेबिट तो बिल खत्म होने पर क्रेडिट, और नोटिंग चार्जेस कौन पे कर रहा है, ड्रॉअर पे कर रहा है, तो ड्रॉअर का कैश जा रहा है, क्रेडिट हो गया, लेकिन वो किसके अकाउंट में ऐड कर दिया गया, ड्रॉई के। नाउ क्लियर सौम्या, ठीक यस है। अब ड्रॉई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, अब अगर हम ड्रॉई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसमें क्या एंट्री बनेगी, बिल ड्रॉ करने की ये एंट्री थी, ड्रॉ टू बिल्स पेबल, क्या एंट्री थी, बिल ड्रॉ करने की ड्रॉई टू, ड्रॉ टू बिल्स पेबल, जब डिसऑनर होगा तो ये एंट्री पूरी कैंसिल हो जाएगी, और कैंसिल कैसे होगी, रिवर्स हो करके, बिल्स पेबल बना था लायबिलिटी इंक्रीज हुई थी क्रेडिट, बिल्स पेबल कैंसिल क्योंकि बिल हो गया डिसऑनर डेबिट, साथ में क्या देंगे, नोटिंग चार्जेस डेबिट, और क्या होगा बच्चों,
डॉर हो जाएगा क्रेडिट। बात क्लियर है, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसके अंदर? हम क्या करेंगे, हमने पे करना है किसका, बिल्स पेबल हमने बनाया था 5000 का, कि हमने बिल्स पेबल के अगेंस्ट पेमेंट करनी है 5000 की। बिल डिसऑर्डर हो गया तो 5000 का बिल कैंसिल, 100 रुपीज ये ड्रॉर को उसके नोटिंग चार्जेस के पे करेगा, तो टोटल कितना अमाउंट पे करना है हमने ड्रॉर को, 5100 रुपीज। क्लियर हो गया? यहां से देखते हैं, जब भी बिल डिसऑर्डर होगा बच्चों ड्रॉर की बुक्स में, देखिए केस वन क्या था कि अगर बिल को रिटेन करता है ड्रॉर टिल मैच्योरिटी, कोई भी केस हो डिसऑर्डर का, ड्रॉर किससे पैसा मांगेगा, ड्रॉई से, चाहे वो बिल रिटेन करने का हो, बिल हमने बैंक से डिस्काउंट कराया हो, बिल हमने इंडोर्स किया हो, या बिल हमने कलेक्शन के लिए भेजा हो, सभी केसेस में डिसऑनर होने पर ड्रॉअर की बुक्स में किसको डेबिट किया जाएगा, ड्रॉई को। कारण क्या है ड्रॉई को डेबिट करने का, बिल की पेमेंट नहीं हुई, ड्रॉई लाओ आप मुझे पैसा दो, हम ड्रॉई से पैसा मांग रहे हैं, ड्रॉई को वापस क्या बना रहे हैं, अपना डेटर बना रहे हैं, और ड्रॉई जब हमारा डेटर बनेगा तो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। समझ गए, कोई परेशानी तो नहीं इसके अंदर? ठीक है, फर्स्ट केस में बिल हमारे पास था तो क्या कैंसिल हो गया, बिल कैंसिल हो गया, साथ में हमने नोटिंग चार्जेस पे किए। सेकंड केस में बिल किसके पास है, बिल किसके पास है, बैंक के पास है, तो क्रेडिट क्या हो जाएगा, ड्रॉई टू बैंक, बैंक क्रेडिट हो जाएगा। पेमेंट कौन करेगा, बिल की, बैंक को हम पेमेंट करेंगे। और अगर बिल हमने इंडोर्स किया हुआ, इंडोर्सी के पास है, तो हम क्रेडिट किसको कर देंगे, इंडोर्सी को। अब इंडोर्सी हमसे पैसा मांगेगा और हम ड्रॉई से पैसा मांगेंगे, तो ड्रॉई हमारे लिए डेटर बन गया और इंडोर्सी को उसका पैसा मिला नहीं, तो हमने पैसा इंडोर्सी को देना है, वो हमारे लिए वापस क्रेडिटर बन गया। बिल अगर हम कलेक्शन के लिए भेजते हैं तो एंट्री क्या हो जाएगी, ड्रॉई डेबिटेड टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन, साथ में नोटिंग चार्जेस भी क्रेडिट हो जाएंगे कैश या बैंक के नाम से। जल्दी से सभी बच्चे पहले ये एंट्रीज नोट करेंगे और इसके बाद में मैं आपको इसके क्वेश्चंस से समझाऊंगा कैसे होगा। जल्दी से नोट करें, ड्रॉई की बुक्स में डिसऑनर की क्या एंट्री होगी, जब बिल ड्रॉ करते थे तो एंट्री बनती थी ड्रॉ टू बिल्स पेबल, अभी डिसऑनर होगा तो वो एंट्री कैंसिल होने के लिए क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, यानी कि एंट्री बन गई बच्चों बिल्स पेबल डेबिट टू ड्रॉ, साथ में अब ड्रॉई को क्या पे करना पड़ेगा, बिल का तो अमाउंट देगा ही देगा, अगर ड्रॉअर ने कोई नोटिंग चार्जेस पे किया था तो वो भी किसका एक्सपेंस बन गया, ड्रॉई का। तो सपोज 5000 बिल का अमाउंट था, 5000 रुपीज बिल के अगेंस्ट पे कर रहे हैं, सपोज 100 रुपीज बिल को कैंसिल कराने के लिए नोटिंग चार्जेस पे किया गया, तो 100 रुपीज हमने नोटिंग चार्जेस पे करने हैं, तो ड्रॉई ने कितनी पेमेंट करनी है टोटल ड्रॉअर को, 5100। क्लियर हो गया, किसी को कोई डाउट इसके अंदर? ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिए बच्चों जल्दी से। नेक्स्ट, अब जरा बच्चों आप लोग आइए इलस्ट्रेशन नंबर 8 पर, अपने बुक से निकाल लीजिए इलस्ट्रेशन नंबर 8 आप लोगों की बुक में है। पेज नंबर है हमारा 17.17। क्वेश्चन में देखिए क्या लिखता है, ए ने गुड सेल किया बी को 50,000 का 1 जनवरी 2021 में, ऑन द सेम डेट उसने बिल ड्रॉ किया, बिल इज ड्यूली एक्सेप्टेड, बट वो ड्यू डेट को डिसऑनर हो गया, और डिसऑनर होने पर नोटिंग चार्जेस कितने लगे बच्चों, 1000 रुपीज। तो ये जो बच्चे हैं जिन्होंने पहले नहीं किया था, जैसे कि आरुषि हो गई और आयुषी जैन हो गई, सौम्या, तो इनको भी ये समझ में आएगा। देखो सबसे पहले क्या कर रहे हैं, ड्रॉअर कौन है यहाँ पर, जो गुड सेल करता है, ए ड्रॉअर है, ड्रॉई कौन है यहाँ पर, जिसने गुड्स परचेज किए, बी ड्रॉई है। सबसे पहले ए ने क्या किया बच्चों, जनवरी 1 को गुड्स सेल किए, किसको, बी को। एंट्री बोलो तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी बच्चों, जब ए अपनी बुक्स में एंट्री करेगा गुड सेल कर रहा है बी को,
बी मतलब ड्रॉई डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, कितने की सेल कर रहा है बच्चों 50,000 की। यहां तक क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें? ठीक है, बी क्या कर रहा है? ए ने तो गुड्स सेल किया बी को, तो बी ने क्या किया बच्चों, बी ने गुड्स परचेज किए, एंट्री क्या बन जाएगी? बी अगर गुड्स परचेज करेगा तो एंट्री बन जाएगी परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू ए, ए मतलब ड्रॉ, कितने के गुड्स परचेज किए हैं 50,000 की। सक्षम, कोई डाउट है यहां पर? नो सर। ठीक है, अब सेल तो कर दिया, अगर कैश मिल जाता तो हम लिख देते कैश अकाउंट डेबिटेड टू बी, बी से कैश मिल गया, बट कैश नहीं मिला, क्या ड्रॉ किया गया सेम डेट को? बिल ड्रॉ किया गया। तो व्हेन बिल इज ड्रॉन, जब बिल बच्चों ड्रॉ किया जाता है तो एंट्री क्या होती है? जब बिल ड्रॉ किया जाएगा तो एंट्री बताएंगे क्या होती है? इसके लिए बिल्स रिसीवेबल होगा, बिल्स रिसीवेबल डेबिटेड, किससे पैसा लेना है बिल का? बी से। यहां तक ठीक है? तो बी क्या एंट्री करेगा बच्चों अपने पास में? बी ने क्या किया है यहां पर? व्हेन बिल इज एक्सेप्टेड, इसने एक्सेप्ट किया, हाँ मैं पेमेंट कर दूंगा बिल के अगेंस्ट, तो इसके लिए ड्रॉई के लिए वो बिल क्या है? बिल्स पेबल है, बिल्स पेबल लायबिलिटी होती है, और लायबिलिटी जब क्रिएट होती है तो क्रेडिट होती है, किसके अगेंस्ट है बच्चों? ए के अगेंस्ट। ए कौन है? ड्रॉर है टू बिल्स पेबल, कितने का है बच्चों? 50,000। किसी को कोई डाउट यहां पर? अब ड्यू डेट कब है यहाँ पर? आफ्टर 3 months, ध्यान देना, किसी बच्चे को अगर डाउट है तो यहीं पर बोल दो मुझे, 3 महीने बाद ड्यू डेट है। 3 महीने पूरे कब होंगे? जनवरी खत्म, फरवरी खत्म, मार्च खत्म, 1 अप्रैल आ गई प्लस 3 डेज और ऐड कर दिए, तो अप्रैल 4 को अगर पेमेंट हो जाती तो एंट्री क्या करते बच्चों आप? कैश अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल, ये एंट्री करते, बट कैश तो आया नहीं, लेकिन बिल तो खत्म हो गया क्योंकि डिसऑनर हो गया बिल, तो बिल कितने का है? बिल था 50,000 का, तो जब बिल खत्म होगा क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। अब बिल की पेमेंट हुई नहीं, आप पैसा वापस किससे मांगेंगे? ड्रॉई से। ड्रॉई कौन है? बी से। आप बी से कह रहे हैं भाई बिल की पेमेंट नहीं की आपने, बिल हमारा खत्म हो गया, बिल रिसीवेबल एसेट खत्म तो क्रेडिट, और आपने बी को वापस कर दिया डेबिट क्योंकि वो आपका बन गया डेटर, उससे पेमेंट लेनी है आपको। कितने पेमेंट लेनी है? एक तो बिल का अमाउंट लेना है, साथ में ए ने पे किए थे नोटिंग चार्जेस, जब ए पे करेगा तो ए का कैश जाएगा, ए की बुक्स में कैश ऐसे का कम हो रहा है, क्रेडिट हो जाएगा 1,000 रुपीज का। ए अब बी से कितना पैसा मांगेगा? 50,000 बिल के मांगेगा और 1,000 नोटिंग चार्जेस के मांगेगा, तो कितना अमाउंट डिमांड करेगा? 51,000। Is this clear? Being the bill is dishonored on due date. Soumya, कोई doubt है अभी? समझ में आ गया? Soumya, कोई doubt है तो बोलिएगा। Next, Droy की books में entry क्या बनेगी बच्चों? Bills payable cancel, debit हो जाएगा 50,000। इसने pay करना है पैसा किसको? बिल्स पेबल वाली लायबिलिटी खत्म तो डेबिट हो गई, पैसा मिला नहीं ए को, तो ए पैसा मांगेगा, कितना पैसा मांगेगा? एक तो 50,000 बिल के मांगेगा, साथ में नोटिंग चार्जेस के 1,000 रुपीज डिमांड कर रहा है, तो टोटल हमने यानी कि बी ने कितना पेमेंट करना है ए को फ्यूचर में? 51,000। कोई डाउट यहां पर? जल्दी से सभी बच्चे इस इलस्ट्रेशन को कंप्लीट, ये था हमारा केस नंबर 1, बिल इज रिटेन्ड बाय ड्रॉर टिल मैच्योरिटी एंड डिसऑनर्ड। अब हम चलेंगे सेकंड केस का डिसऑनर्ड। सेकंड केस क्या होता था बच्चों ड्रॉर की बुक्स में? सेकंड केस होता था कि ड्रॉर ने बिल को बैंक से डिस्काउंट कराया और ड्यू डेट को डिसऑनर हो गया। ठीक है, तो जरा इलस्ट्रेशन नंबर 10 है आप लोगों की बुक में, आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। देखिए, 1 जनवरी 2021 को ए ने सेल किए गुड्स बी को 50,000 के, एंड ऑन द सेम डेट ही ड्रॉ अपॉन अ बिल ऑफ रुपीज 3 मंथ्स
बी एक्सेप्टेड द बिल एंड रिटर्न इट टू ए. ऑन 4th जनवरी ए डिस्काउंटेड द बिल विद हिज बैंकर फॉर ₹49,000. ड्यू डेट को बिल डिसऑनर हो गया और बैंक ने पे किया ₹1,000 नोटिंग चार्जेस के. क्वेश्चन क्लियर है आप लोगों को? सबसे पहले कौन सी एंट्री आएगी? ए की बुक्स में सेल की और बी की बुक्स में परचेजेस की. उसके बाद में ए की बुक्स में आप बिल ड्रॉ करेंगे और बी एक्सेप्ट करेगा. उसके बाद में थर्ड एंट्री ड्रॉर की बुक्स में आएगी, बिल को हम बैंक से डिस्काउंट कराएंगे. यहां तक आप लोग करें पहले खुद से, सभी बच्चे खुद से करें यहां तक, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे. जनवरी 1 को ए ने गुड्स सेल किया बी को, तो ए ड्रॉर है और बी ड्रॉई है. ए की बुक्स में आ जाएगा बच्चों बी, यानी कि ड्रॉई डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट. बी क्या कर रहा है यहां पर? बी परचेज कर रहा है बच्चों जनवरी 1 में गुड्स. किससे परचेज कर रहा है? ये गुड्स परचेज कर रहा है ए से. परचेज इज डेबिटेड टू ए. गुड्स परचेज किए गए बच्चों 50,000 से. ठीक है, अब जनवरी 1 को क्या किया गया बच्चों? बिल ड्रॉ किए गए. बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड. जब बिल ड्रॉ किया जाता है तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू ड्रॉइंग. बीइंग बिल इज ड्रॉन. और बी जब ये बिल एक्सेप्ट करेगा, एंट्री हो जाएगी ए, यानी कि ड्रॉ डेबिटेड टू बिल्स पेबल. बिल था बच्चों 50,000 का. जनवरी 4 के बाद ए ने ये बिल को बैंक से डिस्काउंट कराया 49,000 में. अच्छा, बिल ड्रॉ हुआ था 1 जनवरी को और वो डिस्काउंट करा रहा है 4th जनवरी को. जनवरी 4 को बिल को डिस्काउंट कराया गया बैंक से किस प्राइस पर बच्चों? 49,000 पर. तो बाकी 1,000 कहाँ गया डिस्काउंट कराते समय? डिस्काउंटिंग चार्जेस बन गए हमारे 1,000 के. किसके अगेंस्ट है? बिल्स रिसीवेबल को हमने डिस्काउंट करा लिया. 50,000 के बिल को आपने डिस्काउंट कराया 49,000 में, जिससे हमारा डिस्काउंटिंग चार्ज 1,000 आ गया. ड्रॉई की बुक्स में देखा जाए तो इसके लिए कोई एंट्री नहीं होती. अब हम कहां पहुंचेंगे? सीधा ड्यू डेट को. बच्चों ध्यान देना अभी मेरी बात पर. बिल किसके पास है? बिल एक्सेप्ट किसने किया? बी ने. एक्सेप्ट करके किसको दिया? ए को. ए ने ये बिल क्या किया बच्चों? डिस्काउंट करा लिया. किससे? बैंक से. बैंक से पैसा लेके अपने पास रख लिया. यही हुआ. अब ड्यू डेट को क्या होगा? ड्रॉई को पेमेंट किस, ड्रॉई ने पेमेंट किसको करनी थी? बैंक को. तो बैंक जाएगा ड्यू डेट को ड्रॉई के पास. ड्रॉई भाई पेमेंट कर दो. बैंक कहता है मेरे पास पैसा वैसा कुछ नहीं, जाओ तुम यहां से. तो क्या बी बैंक बी से झगड़ा करेगा? बताइए. नहीं. बैंक ने पैसा किसको दिया है? ए को. तो बैंक किसके अकाउंट से पैसा निकाल लेगा? ए के अकाउंट से. तो अब ए के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, ए के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो. ए क्या कर रहा है? बैंक की पेमेंट कर रहा है और पैसा किससे मांगेगा? बी से. ये बात समझ में आ गई? ड्रॉर पैसा किससे लेके खा चुका है बच्चों? बैंक से. अब ड्यू डेट को बैंक को अपनी पेमेंट मिली नहीं, तो बैंक को पैसे कौन देगा? ड्रॉर. और ड्रॉर किससे पैसा मांगेगा बिल का अपना? ड्रॉई से. तो अब एंट्री क्या बनेगी? बिल है 3 मंथ का, कंप्लीट होगा अप्रैल 4 में. पेमेंट कर रहा है ड्रॉर किसको? बैंक को. और पैसे किससे मांग रहा है? ड्रॉई से. ये क्लियर हो गया? क्वेश्चन पे देखते हैं. कुछ नोटिंग चार्जेस हैं क्या बच्चों? कितने हैं नोटिंग चार्जेस? बैंक को
बी से कितने पैसे मिलते बिल के अगेंस्ट बताओ, 50,000 मिलते, वो बैंक को नहीं मिले, उल्टा नोटिंग चार्जेस बैंक ने पे किए कितने 1,000 रुपीज। मैंने बताया था कि नोटिंग चार्जेस पे कौन करता है, होल्डर ऑफ बिल, जिसके पास बिल होता है, ड्यू डेट को बिल का होल्डर कौन है, बैंक। तो नोटिंग चार्जेस किसने दिए, बैंक किससे मांगेगा, ड्रॉअर से, और ड्रॉअर किससे मांगेगा, ड्रॉई से। तो बच्चों ड्रॉअर कितना पैसा देगा बैंक को, बिल का 50,000, ये वाला जो बैंक ने इस बिल को कैंसिल कराने के लिए नोटिंग चार्जेस पे किए 1,000 रुपीज। तो टोटल बैंक को हमने पेमेंट कितनी करनी है, 51,000, और वो 51,000 हम किससे मांगने वाले हैं, ड्रॉई से। ड्रॉई तुम्हारी गलती की वजह से यार 50,000 का बिल कैंसिल हो गया, पहले तो वो 50,000 रुपए दो, उसके बाद में तुम्हारी गलती की वजह से 1,000 रुपीज मेरे बैंकर को भरने पड़े बैंक नोटिंग चार्जेस के, वो 1,000 रुपीज भी दो। तो ड्रॉअर ड्रॉई से कितना पैसा मांगेगा, 51,000, क्योंकि हम यानी कि ड्रॉअर ड्रॉई से पैसा मांग रहा है, तो ड्रॉई उसका डेटर बन गया, 51,000 से डेबिट हो जाएगा, और ड्रॉअर ने पेमेंट करनी है बैंकर को 50,000 बिल की, 1,000 नोटिंग चार्जेस की, तो बैंक बैलेंस हमारा हो गया रिड्यूस 51,000 से। किसी बच्चे को कोई डाउट हो यहां पर तो बोल सकते हैं, आप चाहे तो दो एंट्री भी लिख सकते हैं। अच्छा बात तो वही आएगी, ड्रॉई टू बैंक, पैसा बैंक दे रहा, बैंक मेरे से ले रहा है पर मैं ड्रॉई से मांग रहा हूं, तो मेरा अकाउंट कट रहा है, बैंक बैलेंस कम हो रहा है, क्रेडिट हो जाएगा, और मैं ड्रॉई से मांगूंगा तो ड्रॉई मेरा डेटर बढ़ जाएगा, ठीक है। अब अप्रैल 4 को बच्चों क्या एंट्री बनेगी डिसऑनर की, बोलो, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिटेड, कितने का बिल्स पेबल कैंसिल हो रहा है, साथ में क्या लगेगा, नोटिंग चार्जेस एक्सपेंस है, खर्चा है कितने का, 1,000 का, इसने 51,000 किसको पे करना है, ड्रॉअर को, ए को, ये नहीं जानता बैंकर, बैंकर को, क्लियर हो गया। तो बच्चों एक बात बताइए, कितनी कौन सी एंट्री में चेंज आ रहा है डिसऑनर होने पर, सेल परचेज की एंट्री सेम है, मुश्किल काम इसमें नहीं। इसके बाद में अगर आप दूसरी एंट्री की बात करें, बिल ड्रॉ करने वाली एंट्री में कोई चेंज आ रहा है, नहीं आ रहा, बैंक से डिस्काउंट कराते वहां पर कोई चेंज आया, नहीं आया, ड्रॉई की बुक्स में तो डिसऑनर की हमेशा सेम एंट्री रहेगी, ड्रॉअर की बुक्स में डिसऑनर में हमेशा याद रखना डेबिट कौन होगा, हमेशा पीछे आपने केस पढ़ा था, डिसऑनर होने पर ड्रॉई डेबिट होगा हमेशा, चाहे कोई भी केस हो, बिल हमारे पास था तो बिल क्रेडिट हुआ, और बिल बैंक के पास है तो कौन क्रेडिट हो जाएगा, बैंक क्रेडिट हो जाएगा। बात क्लियर हो गई, यस सर, ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए। इसके बाद हमारे 4 केसेस थे टोटल ड्रॉअर की बुक्स में, फर्स्ट केस था कि बिल अपने पास रखता है उसका डिसऑनर देख लिया, सेकंड केस था बैंक से डिस्काउंट कराया उसके बाद डिसऑनर हो गया तो हमने देख लिया, थर्ड केस क्या है, इंडोर्स किया ड्रॉअर ने ये बिल किसी थर्ड पार्टी को और उसके बाद ये बिल डिसऑनर हो गया, ठीक है। हम केस पढ़ चुके हैं, एंट्री क्या करते थे ड्रॉअर की बुक्स में, ड्रॉई हमेशा डेबिट होगा, बिल किसके पास है, इंडोर्सी के पास है, इंडोर्सी हमसे पैसा मांगेगा तो हमारा क्या बन गया, क्रेडिटर बन गया, तो हम उसको क्रेडिट कर देंगे। तो डिसऑनर की एंट्री क्या बनेगी ड्रॉअर की बुक्स में, एट द टाइम व्हेन द बिल इज इंडोर्स एंड डिसऑनर, ड्रॉई डेबिट टू इंडोर्स, और ड्रॉई की बुक्स में सेम एंट्री रिपीट होगी, बिल डिसऑनर की, बिल्स पेबल डेबिट, नोटिंग चार्जेस डेबिट टू ड्रॉअर, ठीक है, कोई चेंज नहीं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में आगे क्या है। 1 जनवरी को ए ने बिल ड्रॉ किया 5,000 का, पेबल आफ्टर 3 मंथ्स, बी ने ये बिल एक्सेप्ट किया और वापस दे दिया ए को, 10 दिन बाद ए ने क्या किया, ये बिल किसको दे दिया, सी को, ऑन द ड्यू डेट बिल वाज डिसऑनर्ड, और नोटिंग चार्जेस किसने पे किए, सी ने, इंडोर्सी ने पे किए, इंडोर्सी किससे मांगेगा, ड्रॉअर से, नोटिंग चार्जेस भी, और ड्रॉअर किससे मांगेगा, ड्रॉई से, क्लियर। चलो तो एंट्री देखते हैं क्या बनेगी 2021 को, आप मेरी हेल्प करते चले बच्चों, जनवरी 1 बिल ड्रॉ कर रहे हैं तो एंट्री क्या बनती है, रिसीवेबल टू ड्रॉई, रिसीवेबल टू ड्रॉई, कितने का बिल बनाया गया बच्चों, 5,000 का,
और ड्रॉई है यहाँ पर, ड्रॉर है ए, ड्रॉई है बी, तो बी की बुक्स में बन जाएगी 2021 में जनवरी 1 को, क्या एंट्री बनेगी, ड्रॉर डेबिटेड टू बेस, ड्रॉर की जगह हमने लिखना क्या चाहिए था यहाँ पर ए, कितना का बिल है 5000 का, और 10 दिन बाद ए ने ये बिल किसको भेज दिया, यानी कि जनवरी 11th को सी को भेज दिया, सी डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल, वेरी गुड, बिल्स रिसीवेबल 5000 का बिल भेज दिया सी को, इसके अगेंस्ट तो कोई एंट्री नहीं होगी सी की बुक, बी की बुक्स में, नो सर, वेरी गुड, अब क्या करें बच्चों, ये बिल ड्यू डेट को डिसऑनर होता है, ड्यू डेट है आफ्टर 3 months, तो क्या डेट आ जाएगी April 4th, जब भी बिल डिसऑनर होगा, जैसे सामने वाले को मैंने बिल दिया हुआ है उसका फोन आता है, जी बिल कैंसिल हो गया, तुरंत ड्रॉर को झटका लगता है, यार पेमेंट नहीं हुई, तुरंत किसको टेंशन में फोन करेगा, वो ड्रॉई को फोन करेगा, अरे भाई ड्रॉई यार तुमने बिल दिया हुआ था वो कैंसिल हो गया, डिसऑनर हो गया, क्या करूं मैं बताओ, कहता भाई साहब पैसे नहीं थे, क्या करूं मैं भी, पेमेंट कर दूंगा मैं बाद में, ठीक है चलो कोई बात नहीं बाद में कर देगा, कह रहा है तो वो कह रहा है बाद में कर दूंगा, तो मतलब मैं क्या करूं, बी को अपना डेटर बना दूं, और डेटर बन गया मतलब डेबिट हो गया, कह रहा है कि बाद में दे दूंगा पैसे, और मैंने वो बिल किसको दिया हुआ था, सी को, सी का फोन आया, भाई साहब आपके बिल के पेमेंट नहीं मिले, मेरे को तो पैसा चाहिए, मैंने सी को क्या बोल दिया, तो चिंता मत कर भाई मैं भिजवाता हूँ तेरा पैसा, तो सी कौन है मेरा, क्रेडिटर बन गया, मैंने सी को बोला तेरे को पेमेंट नहीं मिली बिल की, कोई टेंशन नहीं मैं भिजवाऊंगा, तो मेरे लिए सी बन गया क्रेडिटर, और सी क्रेडिटर क्या हो गया, इंडोर सी, यानी कि क्रेडिट हो गया, लायबिलिटी बढ़ गई मेरी, अब सी मेरे से कितने पैसे मांगेगा, बोलेगा भाई साहब वो तो ठीक है पैसे भिजवा दे, वो तो ठीक है बिल के भिजवा देना 5000 रुपए, और बिल को कैंसिल करवाने के लिए मैंने नोटिंग चार्जेस पे किए थे 100 रुपीज, वो भी भिजवा देना साथ में, तो सी मुझसे कितने पैसे मांग रहा है 5100, और मैं भी यही बात किसको बोलूंगा, बी को, है ना भाई बी 5000 तो बिल के दे, और सामने वाली पार्टी ने 100 रुपीज नोटिंग चार्जेस दिए तेरी गलती की वजह से, 100 रुपीज वो भी दे, तो ला कितना पैसा दे दो 5100। तीन केसेस किए, तीनों केसेस में एक बात कॉमन, डिसऑनर होने पर ड्रॉर के बुक्स में हमेशा ड्रॉई डेबिट, बिल हमारे पास था फर्स्ट केस में बिल क्रेडिट, बिल बैंक के पास था सेकंड केस में तो बैंक क्रेडिट, बिल इंडोर्सी के पास था थर्ड केस में तो इंडोर्सी क्रेडिट, कितना सिंपल है, हो गई याद एंट्रीज, अब चलते हैं ड्रॉई की बुक्स में, अप्रैल 4 को एंट्री बनेगी, अभी बताते हैं सौम्य, अप्रैल 4 को एंट्री बनेगी बिल्स पेबल डेबिट, नोटिंग चार्जेस डेबिट टू ड्रॉर, ड्रॉर बोले तो कौन है भाई, ए, 5000 बिल के पे करने हैं, 100 रुपीज नोटिंग चार्जेस के, टोटल कितना पे करना है 5100, जल्दी से कंप्लीट करो, ये हम यहाँ पर बच्चों ड्रॉर के बुक्स देख चुके, ड्रॉई की बुक्स देख चुके, और पार्टी है यहाँ पर तीन, एक तीसरी पार्टी है इंडोर्सी, आओ उसकी बुक्स में भी बनाते हैं, इंडोर्सी हमने माना था सी को, तो सबसे पहले बच्चों सी ने क्या किया था, बिल रिसीव किया था किससे, ए से, एंट्री बोलो क्या होगी, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू ए, कितने का लिया था 5000 का, ड्यू डेट तक बेचारे ने इसने बहुत इंतजार किया, 3 महीने तक पैसा मिलेगा मिलेगा मिलेगा, और ड्यू डेट आ गई, ये ड्यू डेट को बड़ा खुश होकर के पहुंचा किसके पास, बी के पास, बी ने पैसा देने से मना कर दिया, तो ये क्या एंट्री करेगा बच्चों, इंडोर्सी अपनी बुक्स में, उससे तो झगड़ा करने से दहा, उसे तो ये जानता नहीं इसके पास बिल है वो किसने दिया था, ए ने, ये वापस किसके पास पहुंचेगा, ये बिल बनाने की एंट्री थी बिल से रिसीवेबल टू ए, तो डिसऑनर होने की एंट्री कैंसिल हो जाएगी, क्या बन जाएगी, किससे पैसा मांग रहा है, ए, ड्रॉर से, बिल किससे लिया था, ड्रॉर से, पेमेंट नहीं मिली तो पैसा किससे मांगेगा, ड्रॉर से, क्या बोलेगा ड्रॉर को, ड्रॉर ड्रॉर तुमने जो बिल रिसीवेबल मुझे दिया था वो डिसऑनर हो गया, पैसा दो मुझे बिल का, कहता है ठीक है मैं भिजवा दूंगा, रुको 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 बिल का पैसा ही नहीं चाहिए सिर्फ, बिल डिसऑनर होने के कारण मैंने 100 रुपए दिए नोटिंग चार्जेस के, मेरा कैश गया, कैश किसका गया, सी का, मैंने कहा था नोटिंग चार्जेस की पेमेंट कौन करता है,
होल्डर ऑफ बिल, होल्डर कौन है? सी। तो सी ने कितना पे किया नोटिंग चार्जेस का? 100 रुपीज। क्या कहा? 5000 बिल पे दो, 100 रुपए नोटिंग चार्जेस के दो। तो सी ने ए के ऊपर कितना पैसा डाल दिया? 50, 100। क्लियर? जल्दी से कंप्लीट करिए इसको भी। आगे चलेंगे बच्चों लास्ट केस पर। लास्ट केस था हमारा कि हमने बिल कलेक्शन के लिए भेजा और वो हो गया डिसऑनर। ये है आपका इलस्ट्रेशन नंबर 15 पर आइए बच्चों। जरा क्वेश्चन पढ़ लो पहले। दो बिल बनाए गए हैं यहां पर। ऑन 1st October एक्स सेल गुड्स फॉर रुपीज टू वाई फॉर रुपीज 25,000 प्लस GST 18%। और दो बिल ड्रॉ किए गए। फर्स्ट बिल 15,000 का था, सेकंड बिल 3 months के लिए था। फर्स्ट बिल फॉर रुपीज 15,000 फॉर 2 months एंड सेकंड फॉर द बैलेंस फॉर 3 months। ठीक है, वाई ने एक्सेप्ट किया बिल और वापस भेज दिया एक्स के पास। दोनों ही बिल कहां पर भेजे गए? बैंक के पास भेजे गए। किस चीज के लिए? कलेक्शन के लिए। अब ड्यू कोर्स में एक्स ने इन्फॉर्म किया, इन्फॉर्म दैट बिल ऑफ रुपीज 15,000 हैज बीन ड्यूली मेट एंड अनदर बिल इज डिसऑनर। एक बिल तो मेट हो गया और दूसरे बिल की डिसऑनर हो गया, मतलब पेमेंट नहीं हो पाई। और जब पेमेंट नहीं हो पाई तो नोटिंग चार्जेस लगे कितने? 500 रुपीज। हमें एंट्री करनी है फिलहाल इन द बुक्स ऑफ एक्स ओनली। क्लियर? चलिए हेल्प करेंगे बच्चों। कौन कौन मेरी हेल्प करेगा? 2020 October 1 एक्स ने गुड सेल की किसको? वाई को। एंट्री बोलो बच्चों। टू सेल अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट। वेरी गुड। साथ में क्या है? आउटपुट IGST। सेल कितने की है बच्चों? 25,000 की। और जीएसटी कितना है? 18%। 18% ऑफ 25,000 विल बी कितना बन रहा है बच्चों? 25,000 का 18% आ गया 4,500। तो टोटल कितना पैसा लेना है आपने वाई से? 29,500। इज दिस क्लियर टू ऑल? सेकंड, सेम डेट को दो बिल ड्रॉ किए गए। क्या नाम देंगे इनको? बिल्स रिसीवेबल 1, बिल्स रिसीवेबल 2। अच्छा, साथ में इनकी ड्यूरेशन भी लिख देते हैं। फर्स्ट बिल इज फॉर 2 months और सेकंड बिल इज फॉर 3 months, ताकि इनका ट्रीटमेंट की डेट याद रहे हमें। किससे लिए गए दोनों बिल? वाई से। फर्स्ट बिल वॉज फॉर रुपीज 15,000, लेना कितना पैसा था टोटल? 29,500। सेकेंड बिल फॉर द बैलेंस। सेकेंड बिल का अमाउंट समझ में आ गया? बैलेंस 29,500 में से 15,000 का एक बिल है तो दूसरा बैलेंस। आगे चलते हैं। बोथ द बिल आर सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन। दोनों ही बिल बैंक के पास कलेक्शन के लिए भेजे गए। फर्स्ट बिल भेजा जाएगा 2 महीने बाद, अक्टूबर खत्म, नवंबर खत्म, दिसंबर फर्स्ट को सपोज भेज दिया गया, तो एंट्री क्या करेंगे? बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल 1। कितने का बिल था? 15,000 का। और ये क्या हो गया बच्चों? कलेक्ट होकर के आ गया, वॉज ड्यूली मेट। आ गया समझ में? तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी? सेम डेट को जब बिल कलेक्शन के लिए गया और कलेक्ट होकर के आ गया तो पैसा मेरे बैंक में आ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन। फर्स्ट बिल कलेक्ट हो गया। किसी को कोई डाउट? सेकंड बिल फिर हम भेजेंगे 3 महीने बाद, यानी कि ये हो जाएगा लगभग जनवरी के आसपास जाएगा। डेट नहीं दी गई कलेक्शन के लिए तो अपनी मर्जी से ले रहे हैं हम। तो कलेक्शन के लिए भेजेंगे तो एंट्री क्या आएगी? बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल। ये बिल था बिल्स रिसीवेबल नंबर 1, ये बिल्स रिसीवेबल नंबर 2। कितने का है? 14,500 का। यहां तक कोई डाउट किसी को? अब जब ये बिल कलेक्शन के लिए भेजा गया, डिसऑनर हो जाएगा तो जनवरी 4th को ही डिसऑनर होगा। आप किससे पैसा मांगे? ड्रॉ किससे पैसा मांगेगा डिसऑनर होने पर? ड्रॉई से तुरंत फोन करेगा, भाई डिसऑनर हो गया पैसा दो।
बी यानी कि ड्रॉइड डेबिट किस बात के पैसे मांग रहा है? बिल के। बिल तो पहले क्रेडिट हो चुका है, दोबारा क्रेडिट कर सकते हैं क्या हम? नहीं। किसको हमने डेबिट किया हुआ है? बिल सेंट फॉर कलेक्शन को। वो अकाउंट हमने नया ओपन किया, उसको कैंसिल कर दो। क्या कर देंगे? टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन क्रेडिट। और नोटिंग चार्जेस, क्योंकि बिल हमारे ही पास है, हमारे बैंकर के पास है, हमारे बैंक ने पे कर दिया होगा नोटिंग चार्जेस, तो हमारा बैंक डिडक्ट हो जाएगा। कितना है नोटिंग चार्जेस इस केस में? 500 रुपीज। बिल का अमाउंट 14,500, नोटिंग चार्जेस 500, तो कितना पैसा मांग रहे हैं? 15,000 ड्रॉइंग से। ठीक है बच्चों, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे वापस बताएं, एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ।